नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की सभी बड़ी मंडियों के आज के प्याज के ताजा भाव में। जी दोस्तों, आज हो चुका है 20 अक्टूबर 2020। देश की सभी बड़े राज्यों से आपके प्याज संबंधित क्या खबर आ रही है, कौन से राज्यों में नई आपकी प्याज की आवक हो चुकी है और कितने किसान भाइयों को है वो अभी ताजा भाव मिल रहे हैं, कहाँ मंडियों में आपके भाव अच्छे खासे मिल रहे हैं और कहाँ अभी भी भाव कम बने हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो सरकार ने निर्यात पर रोक लगा रखी है वो आपको है कब तक हटने वाली है, ताकि किसान भाई को अच्छे खासे दाम है वो मिल सके। साथ ही अभी सबसे ज्यादा आवक है वो प्याज की कौन से राज्य से हो रही है, क्योंकि लगातार नए प्याज भी अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार है देश की बड़ी मंडियों के ताजा भाव हम आप तक सबसे पहले पहुंचा। साथ दोस्तों, अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूरी जानकारी जरूर जरूर लिख दें, यानी आप कहां के रहने वाले हैं, कितना क्विंटल आपके पास प्याज है, इस दर पर आप प्याज बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ जो भी व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आपके अच्छे दामों पर प्याज खरीद सकें। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। लगभग सभी बड़ी मंडियों में प्याज के भाव में बम्पर उछाल है वो पिछले दिनों देखने को मिल रहा है, वो लगातार आपके प्याज के भावों में है वो उछाल देखने को आपको मिलता ही रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की धंड मंडी में आपके 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आपका प्याज बिका है। वही दोस्तों बात करें गुनूर मंडी की, तो यहाँ दोस्तों आपके भाव रहे 1500 से लेकर 2200। वही दोस्तों बात करें बाकी हरियाणा की मंडियों की, तो यहाँ आपके जो औसत भाव है वो 2500 से लेकर है वो 4000 रुपये तक रहे हैं। अगर दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की देवास मंडी में यहाँ 500 से लेकर 1600, गुना मंडी में 890 से लेकर 1830, वही दोस्तों इंदौर मंडी में 400 रुपये से लेकर 4100 रुपये तक, वही दोस्तों तिमारनी मंडी में 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आपका प्याज है वो हाल फिलहाल में बिका। नीमच मंडी की बात करते हैं तो नीमच मंडी में 2000 रुपये से लेकर आपके 4200 रुपये तक प्याज है वो बिका है। महाराष्ट्र की दोस्तों बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में 500 से लेकर 3500, वही दोस्तों बात करें अगर बाकी मंडियों की, यहां कल्याण मंडी में 800 से लेकर 4350 बिका है। वही दोस्तों बात करें यहां बाकी बड़ी मंडियों की, जिसमें आपकी मंडियां पुणे की शामिल है, 1200 से लेकर दोस्तों 3800 तक आपका प्याज बिका है। अगर दोस्तों नासिक की मंडी की बात करें, यहाँ 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आपका प्याज है वो हाल फिलहाल में बिक रहा है। अगर दोस्तों पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब की आदमपुर मंडी में 2500 रुपये से लेकर आपके 3000 रुपये, अंजाला मंडी में 1800 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक, वही दोस्तों बाकी औसत भाव की पंजाब की बात करें तो यहाँ आपके मैक्सिमम भाव है वो लगभग 4200 रुपये तक रहे और औसत भाव की बात करें तो 3000 रुपये तक आपका प्याज है वो पर कुंटल बिक रहा है। राजस्थान की दोस्तों बात कर लेते हैं, राजस्थान की जयपुर मंडी में 3250 से लेकर 3500 रुपये, वही दोस्तों छोजत रोड मंडी में 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये, वही दोस्तों नीमका थाना मंडी में यहां आपके 1800 से लेकर 2000 रुपये, नवलगढ़ मंडी में 1600 से लेकर 1610 रुपये, वही राजसमंद मंडी में 2300 रुपये से लेकर 2400 रुपये प्याज हाल फिलहाल में बिका है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 2100 से लेकर 2300 रुपये तक आपका प्याज बिका है, अल्मोड़ा मंडी में आपके 1700 से लेकर 1800 तक बिका है। वही दोस्तों बात करें हम बाकी बड़ी मंडियों, जिसमें आजमगढ़ शामिल है, 2500 से लेकर 2630, वही दोस्तों बात करें यहाँ लखनऊ मंडी की, तो दोस्तों लखनऊ मंडी में भी आपके अच्छे खासे भाव है वो देखने को मिले हैं, 2700 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक आपका प्याज है वो बिका है। कुल मिलाकर दोस्तों कहें तो हाल फिलहाल में प्याज के भाव में लगातार तेजी है वो देखने को मिल रही है। अगर आपकी प्याज की जो भी नई आवक होने वाली है, अगर आप जल्दी आवक होगी तो प्याज के यही भाव आपको अभी हैं वो मिलने वाले हैं। अभी आपकी गिरावट है वो कम ही आपको देखने को मिलने वाली है, लगातार इसमें आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो इस समय भाव में काफ़ी ज़्यादा तेजी थी। अब की बार भाव थोड़े लेट के बाद आपके बढ़े हैं, परंतु अभी आपको अच्छे खासे भाव है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट भाव। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई, पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।